आप कैसे हैं? तो अभी हम देखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 100 कैसे कैलकुलेट करें, किसका डिवाइड करना है, 100 का किस में करना है, 17 में। डिवाइड करते समय आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, यानी डिवाइड की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, एक ही बार समझना। देखिए किसका भाग करें, 100 का, तो यहाँ क्या चेक करेंगे, क्या ये दी गई संख्या 100 से बड़ी है, नहीं है, 100 से छोटी है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब 100 से बड़ी है, यस। अब 100 का टेबल कितनी बार लें कि इससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो 100 का टेबल मैं लेता हूँ एक बार, कितना गया 100, कितनी बार लिया टेबल एक बार, तो भाग गया एक बार, कितना गया 100। फिर हमने इसको घटा दिया, ध्यान रखें पॉइंट केवल एक ही बार लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ हम 0 लिख देंगे। अब 100 का टेबल जैसे मैं लेता हूँ 7 बार, कितना गया 700, तो भाग गया 7 बार, कितना गया 700, फिर हमने घटाया 0 आ गया। ये आपका आंसर कितना रहे, 0.17, ठीक है। तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।